हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी आंत में। तो भोजन का जो है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भोजन का पाचन जो है ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मुँह है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, ये जो आकार है सबसे बड़ा आकार किसका है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो ये किसका है, तो ये जो है सबसे बड़ा आकार लीवर का है यानी यकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी जो है अग्नाशय। तो इसका सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, तो वो भी जो है यकृत है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। तो यह क्या ऐसी क्रिया है, तो ऑप्शन ए हार्मोन संबंधी क्रिया, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन सी दृष्टि संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन डी सूंघने संबंधी प्रक्रिया। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है स्नायु संबंधी प्रक्रिया है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आँख है। ऑप्शन ए लोमड़ी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी खरगोश। तो सबसे लंबी आँख किसकी होती है, तो वो जो है खरगोश की होती है। किसकी होती है, खरगोश की, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए ग्रास नली में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो ये किस में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए ग्लूकोस, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो किसका जो है उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, तो वो जो है ग्लूकोस का होता है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, ये जो है इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर द्वारा निष्पादित क्रिया किया गया फेरोमोन। ऑप्शन ए एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ऑप्शन बी शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, ऑप्शन बी अपनी खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए क्वेस्कर, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी एस्कर्बी। तो इसका सही आंसर जो है क्वार्स्कर या क्वार्समर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए बी सी और डी, ये जो है ए बी सी विटामिन में से जो है किसका अच्छा स्रोत है, तो ये जो है और ए विटामिन का अच्छा स्रोत है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। सॉरी, यहाँ ए नहीं बी होगा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन किसका अच्छा स्रोत है, तो बी का जो है अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट, सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, शरीर के किस भाग से पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी यकृत। तो कहाँ से निकलता है पित्त रस, ये जो है यकृत से निकलता है यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी मुंह। तो यकृत जो है हृदय जो है हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। बाकी सब किसका है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में होमोटोड दांत पाया जाता है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये जो है मछलियों में पाया जाता है। जबकि मनुष्यों में कितना दांत होता है, तो मनुष्य में जो है 32 दांत होता है। जबकि छोटे से उम्र में जब बच्चा छोटा होता है तो उसका कितना दांत होता है, तो उसके पास जो है 20 दांत होता है और ये 32 दांत होता है टोटल कुल मिला के बचपन से लेके और मृत्यु तक। टोटल कितने दांत होते हैं, तो मृत्यु तक जो है टोटल 52 दांत होते हैं पूरे जीवन काल में। अगला है, पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश शामिल होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। कौन सा HCl, हम लोग के पेट में कौन सा है, तो HCl है।
नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुनादक, ऑप्शन बी वॉइस बॉक्स, ऑप्शन सी स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन डी किटनाइट। ये कौन सा होगा? तो इसका जो है वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ होती है? ऑप्शन ए 2000 से 8000, ऑप्शन बी 50000 से 80000, ऑप्शन सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन डी 10 मिलियन। तो स्वाद कलियाँ कितनी होती है? तो इस तरह से जो है छोटी छोटी स्वाद कलियाँ होता है, जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये क्या बताता है? स्वाद बताता है। यदि जीभ को देखिएगा तो पीछे के हिस्सा क्या बताता है? तो पीछे का हिस्सा कड़वा बताता है, और इधर का हिस्सा क्या बताता है? और इधर का क्या बताता है? तो इधर का जो है नमकीन बताता है। क्या बताता है? नमकीन। और इधर का खट्टा बताता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बी 2000 से 8000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एंजाइम टाइलिन डैस में पाया जाता है? ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी अमाशय रस में, ऑप्शन डी आंत रस में। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये जो है लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी वसायुक्त अम्ल। तो इसे किस में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो है ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित किया जाता है? तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होती है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो इससे जो है कौन सा एंजाइम स्रावित होती है? तो वो होता है एमाइलेज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, यकृत कार्य करता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। तो यकृत किसका जो है काम करता है? तो वो पाचन का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है।